सो हैलो एवरीवन, की हाल चाल है तुहाडा। एक बार फिर स्वागत है उपासना दी दुनिया विच। सो टुडे मतलब अज असि लैके आए हैं बहुत सारी पंजाबी जुतियों की कलेक्शन। हैलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। यार पंजाबी जुतियों में पंजाबी मिसिंग हो तो फिर उस ब्लॉग का मजा नहीं आएगा ना उस, क्योंकि आज रेमेडी नहीं है। आज ये बहुत ही स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ। लास्ट टाइम आपने ज्वेलरी कलेक्शन पे इतना सारा प्यार दिया था और उसके बाद मैंने सोचा था कि कोशिश करूंगी डिफरेंट डिफरेंट चीजों की कलेक्शन लेके आऊं। तो आज जो लेके आई हूँ वो मैं पंजाबी जूतियों को लेके आई हूँ कि मैंने मतलब किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चूज किए हैं और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के साथ कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि पंजाबी जूतियों में भी ना बहुत सारी वैरायटी है। मतलब बाजार में आपको 100-200 रुपए से लेके 10-20 हजार की जूती तक मिलती है। डिपेंड करता है कैसा लेदर यूज कर रहे हैं, क्या चीज यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारी वैरायटी है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट और मैं एक एक जूते का बताती जाऊंगी मैंने किस पर्पज से लिया। मेरे पास आपको यहाँ पे ना ऑफ व्हाइट क्रीम मतलब हर कलेक्शन मिलेगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इनसे। यार ये है खड़ावे, जनरली हम बोलते हैं जो पीछे से ओपन रहती है। मतलब ये इतना अच्छा इसका डिजाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप देखोगे तो इसमें पूरा ना ये डोली का पैटर्न बना हुआ है पूरा। तो ये इस तरह से पूरी डोली है, ये इस तरह से। ये आप जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हो, पजामी सूट के साथ भी, लेगिंग के साथ, प्लाजो के साथ, मतलब हर किसी के साथ कैरी कर सकते हो। तो ये मैंने इस पर्पज से लिया हुआ है और इसका कैमल कलर है तो कलर भी सबके साथ कॉन्ट्रास्ट बना रहा है। जो ये वाली है ये मेरी स्पेशली सूट के साथ ही है। तो ये सलवार सूट है पूरा मैरून, ये उसके साथ की मैचिंग जूती है। ये कॉम्बो था पूरा और ये इस तरह से खड़ा में। तो मतलब जो पीछे से ओपन होती है ये भी बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई, चाहे आप जीन्स के साथ पहनो, चाहे आप सूट के साथ, किसी के साथ भी इजीली कैरी कर सकते हो आप लोग। अप्रॉक्स आपको प्राइस का भी आइडिया देती जाऊंगी सो दैट आपके लिए भी इजी रहे। जैसे इनकी कॉस्ट है ना, जैसे ये खड़ा में डिपेंड करता है इनके बेस पे, जो इनका सोल होता है जितना सॉफ्ट होगा और जितनी अच्छी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी कॉस्ट होगी। तो इसकी अप्रॉक्स कॉस्ट 700 to 1200 वेरी करती है। और जो ये वाली खड़ामा है इनकी कॉस्ट यार आपको 800 से लेके 1400 तक वेरी करती है, डिपेंड करता है इसके सोल पे। तो ये वाली जो मैंने ली है, मैंने अप्रॉक्स ली हुई है ये 950 की अप्रॉक्स। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी पे डिपेंड करता है। जैसे देखो इस पे ना जर्कन का भी वर्क आ गया, प्योर हैंड की कढ़ाई है। और ये तो ये वाली जो चप्पल है ये मैंने अप्रॉक्स जो है 2200 की परचेज की थी। ये मैंने मैरिज के टाइम पे ली थी स्पेशली रेड सूट के साथ में, मैचिंग कॉन्ट्रास्ट बनाया था। तो इसमें पूरा देखो इस चप्पल में यहाँ भी पूरी एम्ब्रॉयडरी है, पूरे बैक पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसमें जो इसका सोल है प्योर लेदर का है। तो मतलब ये भी, और यार पता है पंजाबी जूती ना मतलब आप जो भी ड्रेस कैरी करते हो ना उसके साथ जब आप पहनोगे वो उसको चार चांद लगा देती है। वो इतना अमेजिंग उस पर मतलब एक लुक को ना डबल कर देती है, वो उठाती है। तो मुझे पंजाबी जूती बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने इतनी सारी कलेक्शन लेके रखी। अक्सर क्या होता है ना हमारी डेली रूटीन में ना मतलब चलते फिरते थकावट बहुत ज्यादा होती है, हम कॉफी के बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। अब आप सोचोगे कॉफी कहाँ से आ गया, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। आपने मेरे प्रोडक्ट्स का तो हमेशा सुना है कि मैम आप ये बताते हो ये, कि एक ऐसी ग्रीन कॉफी के बारे में बताने वाली हूँ। पहली बात तो क्या होता है, जनरली हमारा मिथ होता है कि ग्रीन कॉफी जो है बहुत कड़वी होती है। नहीं, अगर आप इमेजिन करोगे उसमें लेमन का जो एक टैंगी फ्लेवर आता है आपको वो मिल जाए, और वो भी यूनिसेक्स यानी बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों उसको ट्राई कर सकते हैं। तो उससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है, आप सभी को पता है कि ग्रीन कॉफी में जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और आपने बहुत जगह सुना है कि ग्रीन कॉफी वेट को मैनेज करने में बहुत अमेजिंग रोल प्ले करती है। तो ये जो न्यू हर्ब की ग्रीन कॉफी है, एक तो ईजी है लेने में, दूसरा इसमें कड़वाहट नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। पीसीओएस के लोगों में ये वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करती है। फिर पीसीओएस के लोगों में इंसुलिन के रेजिस्टेंस जब बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं तो ये उसको भी बढ़ाने में हेल्प करती है। वेट मैनेजमेंट में हेल्प हो गया, पीसीओएस के पेशेंट में हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ग्रीन कॉफी हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अमेजिंगली बूस्ट करती है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट अच्छा रहेगा, ठीक है। जब भी आप हाई कार्ब मील ले रहे हो तो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसे ये इंक्रीज करेगी, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करेगी। तो आप सोचिए कि इतने से सेशे में इतने सारे बेनिफिट हो तो इससे अमेजिंग चीज क्या हो सकती है। अब आपको लेना कैसे है कि दिन में इसकी डोज क्या है, दिन में आपको दो बार लेना है, एक आप मॉर्निंग में ले लीजिए, एक आप इवनिंग में ले लीजिए। खाना खाने से 30 मिनट्स पहले आपको एक सेशे गर्म पानी में इसको बनाना है और 30 मिनट्स बिफोर मील आपको लेना है।
That's it. इतना सा काम था और आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा. तो बस ये सिंपल सा था. आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं, मैंने भी पर्सनली यूज किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, आप लोग परचेज कर सकते हैं. आज करते हैं नेक्स्ट. अब इसके बाद आती है मेरी ये वाली जूती की कलेक्शन. पर्सनली आई लव दिस जूती. ठीक है, इसमें जो है अगर मैं आपको वर्क दिखाऊं पूरा, तो देखो इसमें मोती का भी काम है, इसमें जैसे तिल्ले का भी काम है, पूरे इस तरह से स्टोन वर्क है. ये भी यार जो मतलब जितना ज्यादा जूती पे वर्क करना स्टार्ट हो जाता है ना, उसकी कॉस्ट उतनी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है. तो ये जूती भी मैंने अप्रॉक्स 1800 के अप्रॉक्स मैंने ये वाली ली है. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, मैं ना जूतियां जो जितनी ये मेरी कलेक्शन है ये सारी मैं होशियारपुर से परचेज करती हूँ. दिल्ली में तो इसके रेट और भी डबल है. जो मैं आपको सच बात बताऊं, होशियारपुर में मतलब बचपन से लेके मैं जूतियां पहनती हूँ, तो मेरी वहां पे एक शॉप फिक्स है. वहां पे हम भैया से बार्गेन भी कर लेते हैं. जो लोग होशियारपुर से है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप घंटाघर की तरफ मुड़ते हो वहां पे एक शॉप है, पीरा वाली गली में पूरी एक शॉप है. तो मतलब उनके पास सारी कलेक्शन. सेम चीज इसमें, ये फ्रंट पे भी पूरी एम्ब्रॉयडरी है और इसके यहाँ पे भी पूरी एम्ब्रॉयडरी है. और ये न्यूड कलर है, तो आपके किसी भी ड्रेस के साथ आप इजिली कैरी कर सकते हो इसको. अब आती है नेक्स्ट. ये है पाकिस्तानी जूती. मुझे इन जूतियों का बड़ा क्रेज है, जो आगे से नोक वाली होती है. ठीक है, ये मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी नोक जो है ये एडजस्ट कर सकते हो. ये जूती मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसको ना मोस्टली जीन्स के साथ कैरी करती हूँ या बिल्कुल लेगिंग के साथ कैरी करती हूँ. और ये इतनी अच्छी ग्रेसफुल मतलब लुक देती है आपको इस तरह से. बिल्कुल जीन्स के साथ भी अच्छी लगती है, लेगिंग के साथ भी अच्छी लगती है, और बहुत मतलब कंफर्टेबल. और ये जब भी पंजाबी जूती लेते हो ना आप लोग, सबकी कंप्लेंट रहती है कि जूती ना यहाँ पे लगती है. एक तो पंजाबी जूती खुलती है, जब आप पहनोगे खुलेगी, तो आपका जितना वो कब नहीं खुलेगी, जितना आपका साइज है ना आप प्रॉपर उतना लो, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, वो नहीं खुलेगी. वो उतना ही अच्छा और लॉन्ग टर्म आपकी जूती चलेगी. मतलब मेरी कई जूतियां इतनी पुरानी हो गई है, वो फिर भी अभी तक चल रही है, ना लूज हुई है ना उसमें कुछ हुआ है. तो ये सिंपल सी चप्पल है, लेकिन ये सिंपल सी है, लेकिन इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 950 या 1000 के करीब थी. मतलब जूतियों की मेरी कॉस्ट ऑलमोस्ट इतना रहती है. अच्छा, अब आती है ऑफ वाइट. ये मेरे को बड़ी पसंद है. इस पे बेचारे दो दो चिड़िया बनी हुई हैं आपस में एक दूसरे की तरफ, लव बर्ड्स. ये जीन्स के साथ भी मैं कैरी करती हूँ, सूट के साथ भी, क्योंकि मेरे पास ऑफ वाइट वाइट कलर के सूट्स की कलेक्शन बहुत सारी है. तो ये मैं मैक्सिमम किसी के साथ भी कैरी कर लेती हूँ. जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं प्रेफर करती हूँ ऑफ वाइट जूती को कैरी करना. अच्छा, पंजाब में तो ना ये चीज बहुत कॉमन है, जैसे आप जीन्स के साथ एक पैर में एंकलेट पहनते हो, पंजाबी जूती पहनते हो, एक बड़ी क्लासी सी लुक आती है. तो उस तरह से मैंने 3-4 कलेक्शन ले रखे हैं, आपको एक एक करके दिखाऊंगी. जैसे ये है, नॉर्मली आप सूट के साथ भी कैरी कर सकते हो, डेनिम के साथ भी कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती है ये. ठीक है, कलर इसमें मैंने बहुत सारे शेड लिए, और एक ये कलर, ये भी एक तरह से पाकिस्तानी है. देखो आपकी इसकी जो मतलब कटिंग हो रखी है वो पूरी इस तरह से हो रखी है, ये पूरा राउंड में है, डिफरेंट डिफरेंट. ये दोनों पंजाबी जूतियां मतलब जीन्स के साथ भी इतनी अच्छी लगती हैं और नॉर्मली सूट के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं. तो ये दो कलेक्शन मैंने इस तरह से लिए हैं. इसके साथ में मैं आपको दो कलेक्शन अपनी और दिखाना चाहूंगी. जैसे ये हो गया, और इसके साथ ही दो पैटर्न ऐसे हैं, एक ये इसमें मिरर वर्क है पूरा. ये भी सेम चीज है, आपकी जीन्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, ये सूट के साथ. मैंने आपको बताया ना, ये ऐसे शेड है, जब मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता तब मैं ये कैरी करती हूँ. और ये वाली प्रिंटेड का यार बहुत रिवाज चला था. मतलब ये तो ऐसा था कि जैसे कपड़े पे पूरा प्रिंट है. इनका ध्यान मत देना, थोड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, क्योंकि मैंने पहन रखी है ये. तो ये जो प्रिंटेड है ना, इनका भी बहुत स्टाइल चला था. तो ये मैंने एक सिंगल रोज में पीच से कलर में ले रखी है, ताकि ये हर किसी के साथ मैं कॉन्ट्रास्ट बना पाऊं और सूट के साथ वैसे ही वर्क करे. तो ये दो. अब इनकी अगर मैं कॉस्टिंग बताऊं आपको, तो जनरली जो ये वाली जूतियां है ना, जो सारी कैमल शेड में है, ये वाली, ये आपके 1200, 1300, 600, 700 इस रेंज में स्टार्ट होती है, डिपेंड करता है क्वालिटी पे. और जो ये कढ़ाई वाली है, ये आपके 700, 750, 600, किसी जगह पे आपको 400 में भी मिलेगी. लेकिन उसका जो सोल है ना, वो आपको इस तरह से लेदर में नहीं मिलेगा. पंजाबी जूती मैंने आपको कहा ना 200 रुपए में मिलेगी, डिपेंड करता है उसके सोल पे. जो मतलब घिस जाती है जल्दी, वो नहीं, मतलब ये घिसेंगी नहीं. या जो ये वाली जूती है ना, ये मुझे मतलब पर्सनली बहुत पसंद है. इट्स बीन 7 ईयर्स मैंने इस जूती को संभाल के रखा हुआ है, अभी तक ये पूरी यहाँ से हल्की हल्की खराब होने लग गया, अब मैं पहनती हुई हूँ. ये जो चप्पल है ना यार, ये प्योर जूती है, प्योर तिल्ले की कढ़ाई, जो आप ही को. और ये अब तक की सबसे कॉस्टली जूती है, मतलब ये 6000 की चप्पल है ये वाली मेरी.
मतलब इसके पीछे भी कढ़ाई थी, ये अब हल्की हल्की खराब होने लगी, मैं पहनती हूँ, लेकिन इसके साथ ना मेरी बहुत सारी मेमोरीज है। ये मैंने अमृतसर से चप्पल खरीदी थी, जो गोल्डन टेम्पल के जाते हुए पूरी वो गली है ना, वहां से मेरे को दोबारा कभी ऐसी जूती मिली ही नहीं जिसपे ये पूरी तिल्ले की कढ़ाई। और ये मैं कोशिश करती हूँ ऐसी जूती ढूंढने की, पर अभी तक नहीं मिली, होपफुली जल्दी ढूंढ लूंगी। अभी सर्च में है, अब अरुण को समझ आ गया तो मेरे लिए सर्च कर देंगे। अब बारी आएगी इन जूतियों की, तो इसका थोड़ा ना मैटी सा कलर है, मतलब ये मैंने मल्टी उसमें लिया हुआ है। इसमें देखो आप एम्ब्रॉयडरी देखोगे, मल्टीपल वीड्स की एम्ब्रॉयडरी है पूरी, ठीक है। और ये मतलब ये भी आप किसी भी ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकते हो, और किसी भी जूती मतलब ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकते हो, जीन्स के साथ भी। इसमें भी सेम ये मैंने जो ली हुई है, ये लाजपत नगर से ली थी मैंने दिल्ली में, 1600 रुपए की जूती। पर ये मतलब इसका अगर मैं देखूँ ना कि मतलब ये पीछे से भी हल्की हल्की लूज होने लग गई है, मतलब इसकी क्वालिटी इसके रेट के हिसाब से अगर मैं अपना रिव्यू दूँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लाजपत नगर में जो सेंट्रल मार्केट है, बिल्कुल स्टार्टिंग में एंटर करते ही 2-3 पंजाबी जूतियों की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बट इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सोल बिल्कुल अच्छे नहीं है इनके, वो बोलेंगे कि मैम हमारी बदनामी कर रहे हैं। तो और सोल वैसे अच्छी होनी जरूरी है, बॉडी का तो फिर भी चल जाएगा बेकार। अंतर आत्मा अच्छी होनी चाहिए, और जूतियों की आत्मा तो उनके सोल है ना। अब आते हैं इसके ऊपर, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इस पे सीक्वेंस वर्क है, ये कुछ इस पे जैसे वो टसल से है, मोती है रेड व्हाइट के ऊपर। ये भी मैंने शादी के टाइम पे ली थी, शादी के टाइम पे मैंने ये ली थी हार्डली इनको। देखो अब पता क्या फर्क है, जैसे वो जूती अभी मैंने एक साल भी नहीं हो उसका लूज हो गया, लेकिन ये जूतियां पहनते हुए मुझे एक एक साल से ज्यादा टाइम हो गया, ना ही ये लूज हुई है और बिल्कुल वैसी की वैसी इनकी ग्रेस है। तो ये पूरी जूती पे इस तरह से वर्क है, और ये भी आप किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो। इसकी कॉस्ट भी इतना 1300-1400 के करीब कॉस्ट है। अब आती है कलेक्शन व्हाइट जूतियों की, व्हाइट चप्पल। व्हाइट कलर मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो आप सूट के साथ पहन लो, जीन्स के साथ पहन लो, किसी के साथ भी जल्दी। और मेरे सूट सारे देखो, जैसे मैंने आज भी पहन रखा है ना, तो ऑफ व्हाइट पिंक कॉन्ट्रास्ट है, तो आज मैंने इसके साथ यही वाली कैरी की थी, क्योंकि इसके साथ मुझे स्काई शेड भी आ रही थी, पिंक भी आ रही थी, व्हाइट भी आ रही थी, तो ये ऑलमोस्ट मेरे साथ 50% मैच कर रहा है। तो मैंने क्या करा है, जब जूतियां परचेज करने जाती हूँ ना, तो मैंने उसके साथ ना हर कंट्रास्ट खरीद लिया, तो मेरा किसी के सूट के साथ कोई भी मैच कर जाता है। इस पे भी यार मल्टी कलर है, और ये ना इसके बहुत सुंदर, मतलब ये डिजाइन ही बहुत सुंदर है। रितु दी अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज इस बार जो आप अम्ब्रेला वाली पंजाबी जूती लेके आए थे, प्लीज मेरे लिए एक ले लेना। इस बार जब दी यहाँ आए थे उन्होंने एक और ली है, दी भी वहीं से लेते हैं, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर जूती ली है, मेरी उस पर नजर आ गया है। दी का साइज अगर मेरे बराबर होता तो मैं वही रख लेती। अब आते हैं इस जूती पे, ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। ये जूती जो है ये प्योर पाकिस्तानी जूती है, ये देखो इसके पूरे अंदर भी एम्ब्रॉयडरी रहती है और बाहर भी। और यार ये जूतियां जो है ये कॉस्टली रहती है, अप्रॉक्स 3000 इसकी कॉस्ट है, ठीक है। और ये पूरी मैंने अभी परचेज की, इसको अभी तक मैंने एक बार भी कैरी नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं मिला जहां पे मैं इसको कैरी कर पाऊं, या कोई ऐसा मेरे को ड्रेस का मैंने सोचा नहीं है। ये मतलब इस पे यार, और ये कंफर्टेबल, और इसका पैटर्न कलर इतना सुंदर है। इसमें मैंने शेड ये ली थी, एक और शेड थी इसमें कि ये मैं हर चीज के साथ कैरी कर पाऊं, थोड़ा न्यूड सा शेड आ गया है ये भी पूरा, और ये बहुत सुंदर जूती है। दीदी आपके साथ ये वाली अच्छी है। और इसका भी मतलब आप ना जब भी जूती लो, सोल आप बिल्कुल सॉफ्ट लो, यहां से फिर पीछे से भी आपको जूती नहीं लगेगी। और अगर कभी आपको जूती लगती है ना, मतलब बहुत ज्यादा, अगर आप 2-3 दिन बैंडेज लगा लो ठीक हो जाता है। अब आती है अनदर व्हाइट कलेक्शन, ठीक है। ये बहुत क्यूट है, इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है बहुत अच्छी है, देखो छोटे छोटे बर्ड्स बने हुए हैं इसपे, और ये हिरन है इसमें, और ये मतलब ना बड़ी फनी चीज बताती हूँ मैं, जब भी जूतियां लेती हूँ कुछ भी लेती हूँ, मेरे को मतलब उनसे ना कनेक्शन फील होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि आप कोई भी चीज कैरी कर रहे हो, वो चाहे ज्वेलरी है चाहे ड्रेस है, वो जब तक आप उसके साथ कनेक्टेड फील नहीं करोगे ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखो सेम इसके बैक पे है एम्ब्रॉयडरी पूरी, और इसमें रेड कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें देखो रेड ग्रीन पिंक येलो हर ड्रेस के साथ ये चलेगा, तो ये इस तरह से है, और ये भी बहुत अच्छा मतलब कंफर्टेबल एंड बहुत अच्छा। ये वाली चप्पल भी मैंने शायद 1100 की ली थी। ये जो चप्पल है ये भी मैंने काफी कॉस्टली ली हुई है, इसकी जो है सेम तिल्ले का वर्क है, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ये भी अभी तक मैंने एक बार ही शायद कैरी की है। इस पे पूरा वर्क है इस तरह से, इसमें सारे डार्क कॉन्ट्रास्ट हैं, जो मैंने थोड़े से डार्क पार्टी वेयर ड्रेसेस के अकॉर्डिंगली इसको कैरी किया है। और ये भी ना
मतलब एक मतलब हर पंजाबी जूती के ना डिफरेंस ही वो है, तो आप लोग बताना कि आपको कौन सी पंजाबी जूती सबसे अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट कैसे लगे, और आप लोग जो परचेज करते हो किस रेंज में परचेज करते हो और कितना टाइम आपकी जूतियां चलती है। और ये है लास्ट, इसको तो मैंने यार बड़ा घसाया है, मतलब अगर मैं बोलूँ ना ये जूती तो पिछली बरसात से लेके इस बरसात तक चल रही है, स्टिल ये टिकी हुई है बेचारी जूती, ये मतलब इस पे ये फ्लावर जैसे बने हुए हैं पूरे इस चीज से, आपको अब इसमें हल्की हल्की इसकी शेड भी जैसे जाने लग गई है अब इस जूती की, क्योंकि यार इसने बड़ा साथ दिया पिछली बरसात से लेके दिल्ली की सड़कों के पानी से लेके अब तक चली है। मतलब इस चप्पल की लिटरली मैं स्टोरी बताऊं ना, लास्ट ईयर जब उत्तम नगर में पानी भरा ना किचकिच होके आती थी बेचारी का, लेकिन इसका सोल अलग नहीं हुआ बिल्कुल भी कि 1% भी। और आइडियली आज के टाइम में हम जो जूतियां लेते हैं उसमें ग्लू ऐसा होता है कि वो निकल जाता है, यही फर्क होता है कि आप क्वालिटी से चीज ले रहे हो, और जूतियां यार जहां बनती है ना वहां से आप हमेशा परचेज करो। तो यार ये छोटी सी कलेक्शन थी मेरी, नेक्स्ट कलेक्शन आपको बहुत बड़ी, नेक्स्ट कलेक्शन आपको किस चीज पे चाहिए, सूट्स पे चाहिए, हाँ कुर्तों पे चाहिए, सूट पे तो मुझे ऐसे लग रहा है 4-5 व्लॉग बनाने पड़ जाएंगे, एक पे तो वो कलेक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट आपको किस चीज पे चाहिए वो बताना, व्लॉग कैसा लगा वो बताना, और इसी तरह यार आप लोग अपना प्यार बनाए रखो, उपासना की दुनिया को बहुत आगे हमें लेके जाना है, और बाकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है तो मैंने हमेशा आपको नंबर बताया, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।